हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं नोटपैड के फाइल मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर दबाएंगे, और जैसे विंडो के साथ आर दबाएंगे रन कमांड हमारा ओपन होगा, रन बॉक्स ओपन होगा। और ओपन में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के अंदर लिखना नोट पैड। और नोट पैड जैसे टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे सामने नोट पैड का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने बताया था कल के क्लासेस में कि ऊपर वाले पट्टी को क्या कहते हैं, टाइटल बार। और यह दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, मेनू। और जो नीचे है उसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार। और जो बीच में जिस पे काम करेंगे उसे क्या कहेंगे, पेज कहेंगे। इतना क्लियर है सबको? चलो, अब हमने फाइल में आपको कुछ शॉर्टकट के लिखवाया है, न्यू के लिए, न्यू विंडो के लिए, ओपन के लिए, सेव से बैच, प्रिंट के लिए। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि देखो जो शॉर्टकट की दिए रहते हैं इसका मतलब यही है कि हम काम को थोड़ा सा और इजी कर लें। और जो काम हम लोग क्लिक क्लिक करके करते हैं वो क्यों क्लिक कर लें, टाइम हमारा बचे, और इसीलिए हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो मैं आपको नॉर्मल तरीका भी बताऊंगा और शॉर्टकट की का यूज करके भी दिखाऊंगा। तो चलो हम पहले कुछ इस पे टाइप करते हैं। तो आप लोग कल टाइप भी किए होगे, नहीं किए होगे तो आज टाइप कर लेना। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, और टाइप करने के बाद से देखो मुझे इसको सेंटर में लेके जाना है। कहाँ पे, सेंटर में। तो आप बताओ, मैंने आपको कीबोर्ड जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब हम कर्सर को आगे बढ़ाना चाहते तो उसके लिए दो तरीके अपनाते हैं, एक टैब और एक स्पेस। तो चलो, मैं कर्सर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन फिर से दोबारा लिखना नहीं चाहता, जो लिखा उसी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए जो लिखा उसके स्टार्ट में आ जाएंगे, वहां पे आ जाएंगे स्टार्ट में। और ये मैं तरीका आपको बताया था कि लाइन के स्टार्ट में जाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, होम बटन दबाएंगे, बोलो। और इंड में जाना तो जी, तो होम दबाया हमने। अब उसके बाद से करना क्या है, मुझे और आगे बढ़ाना है तो कीबोर्ड से स्पेस बार दबाएंगे। स्पेस बार जो सबसे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन है, तो हमने यहाँ पे दबाया। मतलब जहां लाके रखना है वहां छोड़ दो, बस यही पर रखना हो। क्लियर है यहां तक सबको? बोलिए। तो आप ऐसे ला दीजिएगा, लाने के बाद अब फिर से बताओ मुझे इसके नीचे दूसरे लाइन में लिखना है तो कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे, जी इंटर दबाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटर दबाया, और इंटर दबाने के बाद से मैंने टाइप कर दिया, पढ़ रहा हूं ना। और इसको सेलेक्ट करके क्लियर है। अब कर्सर फिर से हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर से दूसरे लाइन में लिखना है, इंटर दबाएंगे। और मैंने अपना यहां पे हेडिंग दिया आवर कोर्सेस। और आवर कोर्सेस लिखने के बाद से मैं इंटर बटन दबाया और मैंने टाइप किया वन डॉट। और मैंने पहला बता दिया यहाँ पे, कैप लॉक ऑन करते समय हम कैपिटल लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कैप लॉक ऑन किया, लिखा डीसी टू डॉट डीएफए या एडीसी थ्री डॉट डीएफए फोर ट्रिपल सी। बस इतना दे दिया मैं समझाने के लिए आपको, एडीएफए। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं।
जो आएगा उसी का चढ़ता है बाबू, ठीक है। लाइव एक सुविधा दिया गया, पढ़ लो घर से, ठीक है। चलिए ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मुझे लग रहा है इतना लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो, तो ऐसे ही आप कोई बुक ले लेना या आपके माइंड में कुछ है वही आप टाइप कर देना, लाइन वाइज, ठीक है, पैराग्राफ वाइज, ठीक है, सेंटेंस बना बना के। टाइप करने के बाद से अब ऑप्शन का यूज करेंगे, आते हैं फाइल पे। तो देखो फाइल पे बहुत सारे बीस ऑप्शन रुपए दिए दिए, हैं, 1 रुपए भी सुमत ठीक दीजिए मुझसे। है। अब फाइल में देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है न्यू, और न्यू के लिए शॉर्टकट के दिया है कंट्रोल प्लस नहीं, किया। 1 रुपए अब भी देखो न्यू का यूज क्या है, तो जब भी सुमत आपके पास से अगर कोई कहे न्यू, देना। ईयरबड और ओपन लेके आइएगा। किसमें, किसी सॉफ्टवेयर में, तो जब किसी सॉफ्टवेयर में न्यू की बात करें या वहां पे न्यू विंडो की बात करें, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो सबसे पहले समझो न्यू का मतलब, देखो जो हमने बनाया है अभी तक लगभग 5-6 लाइन तो लिखा ही लिखा है, उससे ज्यादा लिखा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्टिकुलर एरिया में जितना मैं बनाया है लिखा है, मुझे इस पेज पे बस इतना ही लिखना था, इस पेज पे मुझे इतना ही लिखना था, और लिखूंगा लेकिन अगले दिन लिखूंगा, या इसके बाद मैं सोच रहा हूँ पेज ही बदल दूं, नया पेज लाऊं और नए पेज पे हम उस काम करें। तो उसके लिए हम आते हैं कहाँ पे, फाइल पे और न्यू पे। मतलब न्यू करता क्या है, जो पेज प्रेजेंट टाइम में खुला होता है उसको क्लोज कर देता है। अब क्लोज करके एक नया पेज आ जाता है, और नए सिरे से जो आप डाटा बनाना चाहते हो आप बना सकते, ठीक है। लेकिन अगर वो डाटा सेव ना हो तो न्यू का इस्तेमाल करेंगे तो होगा, लेकिन बार बार कहेगा कि बाबू पाली इसको क्या करो, सेव करो। तो 3 ऑप्शन आएंगे, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। मतलब सेव करना चाहते, इतना मेहनत करके बनाया तो सेव कर दो, तब तो नया पेज लाओ, ठीक है। अगर वैसे लिखे हो नहीं सेव करना है तो डोंट सेव कर दो, और गलती से न्यू पे क्लिक हो गया है तो आप कैंसिल कर दो। तो जब फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलो सबसे पहले मैं आपको सेव करना ही सिखा दूँ, और सेव करके सिखाने के बाद से तब मैं न्यू के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो इतना मेहनत से मैंने डाटा बनाया है, और जाहिर सी बात है डाटा बनाते हैं तो फ्यूचर में उसका यूज हमको करना है। अगर फ्यूचर में उसका यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा। मैंने बताया था करना है, किसी टाइम के लिए यूज करना है, लेकिन आगे चल के मुझे इस डाटा से कोई मतलब नहीं है तो क्या करोगे, सेव ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट काट देंगे। तो चलो सेव करना चाहते हैं, तो सेव के लिए दो तरीका, एक तो फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक करिए, या कीबोर्ड से क्या दबाइए, कंट्रोल प्लस यस। तो चले हम आते हैं, और पहले हम ऑप्शन से सिखाते हैं। तो ये फाइल पे आए, सही और फाइल पे आने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे सेव। क्लियर है, और सेव जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखो ये हमारे जिस पीसी का लोकेशन ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगी, और इसमें पूछा जाता है, ध्यान दो क्या इसमें पूछा जाता है कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हो और कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो चलो आप बताओ, जैसा डाटा रहेगा वैसा तो नाम देंगे। मान लो हमने अपना रिज्यूम बनाया है तो लिखेंगे रिज्यूम, हमने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया है तो लिखेंगे क्वेश्चन, पेपर किसका है वो लिखेंगे। मतलब जैसा डाटा हो वैसा हम फाइल का नेम देते हैं, हम लोग अपना नेम नहीं देते, क्योंकि अपना नेम देंगे तो कितना बार अपना नेम दोगे बताओ, एक बार दे दोगे फिर से दोबारा बनाओगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो डाटा जैसा हो वैसा नाम दीजिए, तो अलग अलग नाम से सेव भी हो जाएगा, और हमको फ्यूचर में अगर खोजना हो तो कौन सा डाटा कब तो आराम से निकल जाएगा। सब एक ही नाम से सेव हो तो सब ओपन करो, क्लिक क्लिक करके मतलब डेट याद करो किस डेट को कब बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जैसा डाटा रहता है वैसा नाम दिया जाता है। तो मान लो हमने अपने संस्था के बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, हमने क्या कर हाँ दिया है, गायत्री। या बीच में कर देते क्या, GIT, समझे। तो जो नाम देना दे देना, उसके बाद से देखो हम आपको स्टार्टिंग में
कल ही पाया था एक्सटेंशन नेम, देखो लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब जो नोट पेड पे बना रहे वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर कोई पूछे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो समझ जाना किसकी बात की जा रही है जी। और उसका एक्सटेंशन नेम देखो डॉट टीएक्सटी, मतलब यह टीएक्सटी के फॉर्मेट में सेव हो रहा है। अब चलो यहाँ पे पूछा जाता है ऊपर कि सर आप इस डाटा को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, रखना कहाँ से चाहते हो, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड में म्यूजिक में पिक्चर में या किसी डिस्क में, कहाँ पे रखोगे। तो मैंने बोला सर डॉक्यूमेंट्स से, तो डॉक्यूमेंट्स पर रखना अच्छा रहेगा, हमने कर दिया क्या जी, और कर दिया यहाँ से। तो देखो जो हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे, मतलब पिछले मतलब कल तो लिखा था अनटाइटल, लेकिन आप बताओ आज क्या लिखा है, गायत्री और जीआईटी। मींस जब तक हम कोई नाम नहीं देते तब तक अनटाइटल रहेगा, नाम दे देंगे तो वो नाम वो होगा जिस नाम से फाइल को हमने सेव किया। चलिए अब बात, अब अगर मान लो एक काम अगर मुझे शॉर्टकट जिसे करना हो तो अब अगर मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे भी दबाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्यों, इतना डाटा मैंने बनाया पहले से सेव है। लेकिन एक बात और, अगर मैं नंबर देता हूँ 6 और 6 देने के बाद मैंने दे दिया यहाँ पे टैली, अगर इस बार भी अगर हम यहाँ पे कंट्रोल यस दबाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और फाइल पे आए दबाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मीन्स जब हम एक बार डाटा सेव कर देते हैं तो बार बार लोकेशन नहीं खुलता है कि तो डाटा कहाँ पे सेव करना है, मतलब जैसे कंट्रोल यस दबाते हो ऑटोमेटिक डाटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, मतलब आपको दिखता नहीं कि सेव हो रहा है, लेकिन जब उसको क्लोज करके देखोगे ना तो आने के पहले से सेव हो, मतलब आप ऐसा मत समझना जितना बार सेव करें उतना बार खोलो कौन सा और उतना बार नाम नहीं, एक बार सेव कर दिया तो समझ गया कि सारा डाटा क्या करना है, इसी फाइल में सेव करना है, तो अपने आप उसी में होता जाता है जब हम कंट्रोल यस दबाते हैं या फाइल पे क्लिक करते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार क्लोज करके देखिए कैसे हुआ है कि नहीं, अगर सेव ना करो तब देखो, सेव करने के बाद से देखो वो डाटा हमारा क्लियर है। चलो तो आप लोग करके देखिएगा, ठीक है, चलो मैं इसको क्लोज भी करूंगा, क्लोज कर दिया वहां से। अब चलो मैंने डाटा जहां पर रखा था उसको ओपन कर दिया, कहां पर रखा किसी में आएंगे किसी में इसको बड़ा करो, उसको कहां रखा हमने जी, और डॉक्यूमेंट्स में रखने के बाद से जिस नाम से सेव किया यहाँ से सर्च कर लो, नहीं तो नीचे आओ आप मिलेगा गायत्री जी, क्या करोगे आप, डबल क्लिक बड़ा आ गया बाबू। चलो तो अब यहाँ पे लगभग आपको सेव आया होगा, इस बगल में भी दिया सेव है, दोनों में अंतर क्या है, पहले अब यहाँ से कुछ पढ़ा दें तब एक एक करके आएंगे तो दिखाएंगे। चलो अब आते हैं फाइल, फाइल के बारे में बता ही दिया हूँ कि डाटा हमने बना दिया और नया पेज चाहिए, मुझे इस पे नहीं लिख रहा है क्या करोगे फाइल क्या होगा बताओ, या क्लोज हो जाए और नया वाला पेज ना, लेकिन अगर यही हम थोड़ा क्लोज कर दें और ओपन करें और इसको बड़ा कर दें, और बड़ा करने के बाद से हम थोड़ा और डाटा बढ़ा देते हैं 7 क्या जी, ठीक है बीजी साहब से भी बहुत बिजी बिजी करते हैं, ठीक है साहब से भी बिजी जो पढ़ता बिजी है, ठीक है मतलब काम करने में और सोशल मीडिया, अब देखो मैंने सेव कर दिया, ठीक है तो फाइल पे गए और न्यू पे गए, बताओ यहाँ पे खुल जा रहा है कि नहीं खुल रहा है, लेकिन इस बार मैं आता हूँ
और इसको मैं करता हूँ और थोड़ा सा डाटा मैंने क्या किया यहाँ पे एक नंबर जो है वो हमने यहाँ पे बता दिया डी टी टी और इतना करने के बाद अब मैं इस बार सेव नहीं किया और गलती से मैं फाइल में गया और मुझे नया पे लाना है, मुझे याद नहीं कि सेव किया कि नहीं किया। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो मैसेज आ गया, डू यू वांट टू सेव चेंज टू डोंट सेव या कैंसिल। तो अगर हम भूल गए तो वो सेव कर देंगे, नहीं इसको नहीं सेव करना है तो डोंट सेव, और गलती से क्लिक हो गया तो कैंसिल। तो क्या करें हम बताओ, डोंट सेव मतलब बंद भी हो गया और नया पेज खुल भी गया। अब चलो इसको क्लोज करो और आप बताओ क्या जो लास्ट में लिखा हुआ आएगा। नहीं ठीक है, तो कभी भी डाटा बनाइएगा, बनाने के बाद से क्या करिएगा उसको सेव करना मत भूल, सेव करना मत भूलिएगा नहीं तो दिक्कत होगी। क्लियर है? तो हमने फाइल बना दिया, बता दिए फाइल में न्यू। अगला है न्यू विंडो। देखो अगर शॉर्टकट यूज करोगे तो भी आ जाएगा, देखो कंट्रोल एन आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो शॉर्टकट की भी से काम करेगा। अब आते हैं हम न्यू विंडो, तो न्यू और न्यू विंडो में क्या अंतर है समझिए। जब हम लोग न्यू का यूज करते हैं, ध्यान देना, जब न्यू का यूज करते हैं तो न्यू में ऐसा होता है कि जो हमारा फाइल खुला हुआ है उसको क्लोज करता है तब नया पेज खुलता है। लेकिन वही न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं तो विंडो जो खुला हुआ रहता ही रहता है, एक नया विंडो खुल जाता है। मींस मेरे पास एक पेज है, अब इस पेज पे हमें काम कर रहे हैं ठीक है, और इसको हटा के फिर से यही पे एक और पेज आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे न्यू पेज। लेकिन ये खुला है, एक और लाना है, इसमें भी काम करना है उसमें भी काम करना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे न्यू विंडो का। मतलब न्यू विंडो मतलब एक और ऐसा ही फिर से सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा और नए सिरे से हम उस पर काम कर सकते हैं। अब इसके लिए सेव नहीं मांगेगा, बस यहाँ इतने दिख रहा है। मतलब यह पहले से खुला ही खुला है और एक और यहाँ बोलो, तो आप चाहो तो इस पे भी काम कर लो, अच्छा हो तो इस पे भी काम कर लो। लेकिन यही है जब इस पे क्लिक करोगे तो छुप जाए, तो लाने का तो क्या है नीचे और क्या है जी, इस फाइल पे इस न्यू विंडो का आ जाए, एक और खुल जाएगा। अब बताओ मतलब एक से ज्यादा मुमकिन कर सकते दोनों मंत्र समा रहा है जी। तो यह हमारा फाइल है, बस बताने के लिए लाया हूँ, अब तुम्हारी मर्जी काम करना करो, जिस पे कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करिए। आ जाता है कि मुझे इस पे दूसरा टॉपिक बनाना है, इस पे दूसरा बनाना, दोनों फिर कर लो, एक एक करके काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा जरूर पड़ता है ना, एक साथ दो काम करते हो आप, पढ़ते भी हो फोन भी चलाओ, बोलो ऐसा करते हो अक्सर, लड़के करते हो ना, लड़के मतलब जितने स्टूडेंट ठीक है, नहीं तो बहुत तेज चलेगा, लड़कियां मतलब सभी लोग कर मतलब इसमें ट्रेंड आ चुका है ठीक है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल, इसमें पढ़े नहीं मोबाइल स्टार्ट ठीक है। इसीलिए ध्यान देना, मतलब कभी भी किसी काम को करोगे तो मन से कोई एक ही काम होता है, या तो फोन चला लो या तो अच्छे से पढ़ लो, जो पढ़ना थे कोई पढ़ो, फोन मत चलाओ, स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो ठीक है। और अगर सोच रहे नहीं पढ़ाई नहीं करना है तो कॉपी मत उठाओ, तो फोन में चलाओ, क्योंकि देखो कोई काम करो तो अच्छे से करो, बिगड़ जाओ तो खूब बिगड़ जाओ, कहेगा हाँ तभी नाम होगा, अरे सुधर जाओ तो बहुत सुधर जाओ तब नाम होगा, बीच वाले का कोई मतलब देखे हो ठीक है, कहते नहीं बहुत खराब है तो बहुत अच्छा है, मिडिल में कोई कोई जानता है वैसे, तो बहुत अच्छा बनो नहीं बहुत खराब, तभी दो लोग नाम जाने ठीक है, नहीं तो बीच में क्या कौन आया कौन गया उसको कोई नहीं जानता, मतलब आगे चल के कोई याद नहीं करेगा ठीक है। तो लेकिन यही है,
दोनों में बहुत फायदा है, एक में हमें गाली सुनने को मिलेगा और एक में आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा काम करो जिसे भला हो, ठीक है, नुकसान ना हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा करिए आप लोग, ठीक है, कोई काम करिए मन से करिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ या कोई नहीं कहेगा फोन मत चलाओ, ठीक है, क्यों देखो, तो ये चलाना बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमारा फ्यूचर खराब हो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 5 घंटा 6 घंटा 8-8 घंटा केवल फोन पे लगे होते हैं, केवल वीडियो क्लिप करने, ठीक है, मैसेज करने, यूट्यूब देखने, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने में। तो देखो उससे फ्यूचर बनने वाला नहीं है, हाँ थोड़ा सा एक माध्यम है कि थोड़ा हम हट लेंगे, रो लेंगे, लेकिन आगे आपका फ्यूचर से बनने वाला नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिए फोन को चलाइए, ठीक है, पढ़ाई के बाद तो दोनों अच्छा लगेगा, हाँ ये भी संतुष्टि मिलेगा तुमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और फोन भी चलाओ तो भी मन लगेगा। नहीं तो अगर आप कहीं गए और कोई पूछ दिया और नहीं बताए तो उसे फोन भी चलाना अच्छा लगेगा, ठीक है, कभी नहीं चलाए वो टेंशन नहीं, क्यों डांट सुनना पड़ा, इसके चलते इसके चलते। तो कुछ भी करो अच्छे से करो, ठीक है, और तब फ्यूचर में कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओ। और सबसे बड़ा रुकावट इसमें ही है स्मार्टफोन। तो मैं पढ़ा रहा था आपको न्यू विंडो, उसके बाद अगला है ओपन। देखो ओपन का मतलब पता ही है आपको कि जाहिर सी बात है आप ओपन का यूज कब करोगे, जब आप पहले से कुछ बनाए हो। बोलो, हम बोले दरवाजा ओपन करो, जब दरवाजा लगा रहेगा तब तो कहेंगे ओपन करो, तो खुला तो चले जाओ, ठीक है। तो वैसे इसमें है कि अगर पहले से कोई फाइल बना है अगर उसको ओपन करना इसी पेज पे और इसको हटा देना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ओपन। तो चलो हमने तो पहले से कुछ बना के रखा नहीं है, यही बना के रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्लोज कर दें, जो सेव करना है सेव कर दें और विंडो के साथ आर दबाएं और हमने टाइप कर दिया नोट पैड और यही नया पेज ओपन किया और मुझे कुछ लिखना था वो पहले से लिख के रखा हूं, तो क्यों लिखेगा, बस क्या कर, फाइल पे आऊंगा, ओपन पे आऊंगा, कहां पर रखा हूं, डॉक्यूमेंट्स में, गायत्री, ओके। लेकिन सवाल यह, अगर सर कुछ लिखा हो तब, मान लो यहां पे मैं आया और मैंने कुछ लिखा हो तो, लिखा कोई मतलब नहीं है, यह हट जाएगा और वो आ जाएगा, कर है ना यहाँ पे सेव या डोंट सेव, बस सेव कर, पूछेगा किसको ओपन करना है, बस मतलब काम कर रहे हैं और काम करते वक्त ओपन करना हो तो उसको ओपन करो, सेव करना सेव कर दो, नहीं तो हटाना हटा दो, इसको ला दो। तो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है सेव पढ़ाई दिया, अगला है सेव एज, और सेव एज का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। कल मैं पूछूंगा सबसे, कल वाला और आज वाला दोनों। तो चलो सेव मतलब डाटा को सेव करना, सेव एज मतलब भी डाटा को सेव करना, लेकिन सेव और सेव एज में अंतर इतना ही है कि जब हम सेव एक बार कर देते हैं और फिर से सेव करते हैं तो डाटा उसी में सेव होता जाता है, और जब हम सेव एज करते हैं तो जितना बार हम सेव एज करते हैं उतना बार नया नया लोकेशन खुलता है और उतने बार नए नए नाम से हम नए नए लोकेशन पे या सेव लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं सेव कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं फाइल पे आऊंगा और सेव एज करूंगा तुरंत पूछ रहा है इसको किस नाम से सेव करना चाहते हो। लेकिन अब आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर रियल में ऐसा दिया क्यों होगा, ऐसा तो लोग करते नहीं होंगे, तो समझो तो इसका यूज इसीलिए लोग करते हैं कि मैंने जो डाटा बना के रखा है वो सेव कर दिया, सेव करने के बाद से इन केस फ्यूचर में हमने इसमें कुछ डाटा में बढ़ा के, मतलब 7 लोगों का डाटा बनाया था, 7 कोर्सेस बताए थे, 3 और बना दिया, 10 कोर्स। लेकिन हमसे जहाँ पे काम कर वो कह रहा है कि जो पहले से 7 लोगों का जो डाटा बनाए थे या 7 कोर्स के बारे में लिखा था वो अलग से, और उसके बाद से जो बढ़ा के लिख रहे और जो पहले वाला वो एक अलग से, तो ऐसे कंडीशन में सेव करते हैं तो डाटा उसी में सेव हो जाएगा,
ठीक है, तो वहां पे सेव ऐड करते तो फायदा दो, एक तो जो 7 लोग का डाटा सेव है वो सेव रहेगा, और जो फिर से जो 10 लोग का हमने बनाया सेव ऐड करेंगे तो नए फाइल नए लोकेशन नए नाम से सेव कर देंगे। तो कल क्या क्या किया था 7 लोगों का वो भी डाटा दे सकते हैं, और आज कितना काम किया 7 और बढ़ा दिया 10 लोगों का ये भी दे सकते हैं, तो कल वाला भी फाइल दे सकते हैं आज वाले फाइल दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है कि नहीं बाबू बनाते जाओ डेली सेव करते जाओ, नया नाम नहीं देना है और नया हमको नहीं दिखाना है, बस डाटा बना होना चाहिए हमेशा साथ, लेकिन डेली का अपडेट चाहिए। आज 10 और परसों कितना था मुझे डेली का अपडेट चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं डेली सेव करवाते हैं, इसे ट्रैक कर सके आज इतना बनाया है कल इतना बनाया था परसों इतना बनाया था, आप तुम्हारी मर्जी ऐसा कंडीशन आता तब कर दो, और नहीं तो जब आप अलग अलग नाम से सेव करना है तब कर दो, मुझे तो नहीं लग रहा किसी को शौक है कि अलग अलग नाम से सेव करें, बोलो ऐसा जरूर पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ठीक है बस इसको बस लास्ट पॉइंट है देख लो बस क्या कैसे हो रहा। इसके लिए बस क्या करेंगे हम लोग डाटा थोड़ा बढ़ा दें, चलो मैं एक और बस बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ आपको 8 और वैसे मैंने दे दिया पोयम, और फाइल सेव नहीं करेंगे सेव है पर इसी नाम से रख दो या दूसरे नाम से कर दो वन कर देते हैं, क्या करें इसको सेव और दोनों को क्लोज इसको भी क्लोज, अब देखो GIT वाले में कितना रिकॉर्ड 7 लेकिन GIT 1 वाले में कहाँ गया, GIT 1 लिखा है ना जिम आ रहा है आज अगर ना बढ़ाए होते तो भी सेव होता दो जगह सेव होता आज भी मतलब इस समय भी दो जगह पहले भी दो जगह, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता दो जगह सेव करने का, ठीक है तो यहां तक आप लोग यूज करिएगा।